हेलो एवरीवन, आई एम राम भट्ट, योर मैथ्स एंड जीए एजुकेटर। तो आज IBPS क्लर्क की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और उसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ कि पेपर कैसा आया था, मेरे अटेम्प्ट्स कैसे रहे हैं, पेपर का लेवल क्या था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि पेपर आज का थोड़ा मॉडरेट था, ठीक है। पेपर मॉडरेट था क्योंकि 5 तारीख की जो 3 शिफ्ट थी वो आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट थी, और 5 तारीख का जो 4 शिफ्ट था वो मॉडरेट था, और सेम एज आज की सारी शिफ्ट भी मॉडरेट लेवल की ही रह रही हैं, ठीक है। मॉडरेट क्या आ रहा है तो मैं बता दूँ, इंग्लिश तो पहली बात इजी आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या आ रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आपका एक कॉम्प्रहेंसन आ रहा है, लगभग 10 नंबर वहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद आपका मिस स्पेल्ड होते हैं कि वो मिस स्पेलिंग्स होती हैं, उसको आपको चेक करना होता है, लगभग 5 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। रीअरेंजमेंट आता है, 5 क्वेश्चंस आते हैं ABCDE, उसमें आपको सेलेक्टिव होना पड़ता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, आप आराम से बना सकते हैं। 20 नंबर लगभग यहाँ से हो गया, 4-5 एरर आते हैं और बाकी 5 क्वेश्चन लगभग मिला के मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका इंग्लिश सेशन है। अगर इंग्लिश आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो, कमांड अच्छी है, तो इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगने वाली है। मैं कहूँगा कि इंग्लिश आपको इजी ही कही जाएगी, इंग्लिश में आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। कितना 20 to 25 तक अगर आपके इंग्लिश में अटैम्प्ट हैं तो बहुत ही बढ़िया अटैम्प्ट हैं, आप एकदम निश्चिंत रहें, आपके अटैम्प्ट अच्छे हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपने 18 भी अटैम्प्ट किए हैं विद योर एक्यूरेसी, क्योंकि इंग्लिश में तो एक्यूरेसी मैटर करता है, तो आप अच्छा अटैम्प्ट किया आपने। इंग्लिश के बाद खुलता है मैथ्स का सेशन। तो मैथ्स का सेशन मैं बता दूं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है। हालांकि 5 तारीख को जो फर्स्ट सेकेंड जो भी शिफ्ट आई थी उसमें लगभग 13 से 15 आपके सिंप्लीफिकेशन देखने को मिल रहे थे, और सिंप्लीफिकेशन इजी लेवल के थे, पर 5 तारीख की 4 शिफ्ट को जो सिंप्लीफिकेशन आया, 10 सिंप्लीफिकेशन आया, काफ़ी कैलकुलेटिव थे, और आज भी ऐसा ही रहा डेसिमल में, पॉइंट्स में, फ्रैक्शन वैल्यूज़ में। मान लो आज मेरी शिफ्ट में अप्रॉक्स 8 से 10 सिंप्लीफिकेशन ही आए थे, और उसमें लगभग 4 से 5 तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ में थे और फिर डेसिमल में थे। तो यार देखो, टफ तो नहीं होता है, पर टाइम तुम्हें लगता है, ठीक है। टाइम उसमें तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गलत होने की पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा रहती है क्योंकि ऑप्शन काफ़ी नज़दीक रहते हैं। तो 10 सिंप्लीफिकेशन आए थे मेरे शिफ्ट में, 2 DI आई थी, ठीक है, एक टेबुलर आई थी और एक आपका एक बायोग्राफ करके आई थी, ठीक है। ए बी थे, उसमें से कोई आपके सप्ताह के अंत में जा रहा है घूमने और कोई सप्ताह के पहले जा रहा है, ऐसे करके DI आई थी। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, 10 सिंप्लीफिकेशन 20 नंबर हो गया, 5 की नंबर सीरीज आई थी, ठीक है, 25 हो गया, और लगभग 8 से 10 आपके मिसलेनियस क्वेश्चन थे। तो मैथ्स जो है, जो क्वांट है, वो क्वाइट कैलकुलेटिव मुझे लगा, ठीक है, क्लर्क के हिसाब से कैलकुलेटिव था। और इसमें अगर आपने 18 से लेके 25 तक अटैम्प्ट किया है मैथ्स में, तो आपके अच्छे अटैम्प्ट्स मैं मानूंगा, ठीक है, अच्छे अटैम्प्ट्स हैं, वेल एंड गुड अटैम्प्ट्स हैं। हाँ, 18-19 अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसमें एक भी गलत ना हो, एरर कहीं भी निकले ना, 18-19 सारे के सारे क्वेश्चन सही हों, तो आपके अटैम्प्ट्स अच्छे हैं। बात कर लेता हूँ रीजनिंग में। रीजनिंग में वही आपके लगभग 4 पज़ल आए थे, 20 नंबर, 5 इनइक्वालिटी आया था, 25 हो गया, 3 आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे, और 2 डायरेक्शन 30 हो गया, और 5 आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आए थे, दाएं बाएं आपको चेक करना था। तो आप 35 में से रीजनिंग में 30 आप अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि देखो पहली बात तो ये, जो आज का रीजनिंग का पेपर था थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि एक तो जो एजेस वाले पजल होते हैं, एज वाले पजल कौन से होते हैं मैं बता दूं, कोई 1936 में पैदा हुआ है, कोई 1954 में पैदा हुआ है, कोई 1984 में पैदा हुआ है, और उनको 2020 से उनकी एज को कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो पजल होता है थोड़ा सा क्वाइट लेंदी होता है, क्वाइट मॉडरेट होता है, तो ये पजल होता है। और एक पजल और आया था, थोड़ा बड़ा था, वो देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा था, जिसमें 4 मंजिल थी और उस पर 8 लोग बैठे थे, हर मंजिल पर 2 फ्लैट थी। तो ये कुछ पजल्स थे जो आपको फंसा सकते थे। अगर रीजनिंग में आपने 27-32 अटैम्प्ट किया है तो रीजनिंग आपका अच्छा है, ठीक है। तो ये रीजनिंग में अटैम्प्ट है, रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी भी आप कह सकते हो क्लर्क के हिसाब से। खैर, मैं आपको हमेशा बता दूं कि जब भी पहले दिन की शिफ्ट्स के बाद सेकंड शिफ्ट्स का पेपर आता है तो वो थोड़ा सा क्वाइट लेंदी ज़रूर होता है। तो यही चीज़ें थी, अगर आपने रीजनिंग में 27-32 अटैम्प्ट किया हुआ है तो ये आपके गुड अटैम्प्ट है। ओवरऑल गुड अटैम्प्ट मैं बता दूं तो ओवरऑल आपके गुड अटैम्प्ट हैं 70 से लेके 82 तक, 72-82 के बीच में अगर आपने अटैम्प्ट कर रखा है तो ये आपके गुड एंड वेल अटैम्प्ट हैं। 70 अटैम्प्ट किया है, एक्यूरेसी भाई 100% चाहिए। 82 अटैम्प्ट किया है, थोड़े कम भी एक्यूरेसी है तो भी चलेगा। अगर 82+ आपने किया है तो फिर बहुत बेहतरीन है, आप यार मेंस की तैयारी में लग जाओ। और हालांकि मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने 70 भी अटैम्प्ट कर रखा है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप मेंस की तैयारी ज़रूर करो,
करने वाले यार 90 भी करके आते हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, 90 करके आते हैं, एकाध होते हैं जिनका बहुत अच्छी कमांड होती है, पर जो 90 अटेम्प्ट करके आते हैं कुछ तुक्का भी लगाते हैं। इंग्लिश में सपोज करो किसी ने 25 अटेम्प्ट किया, उसके 15 गलत हो गए, वो 10 से भी कम नंबर पाएगा, और किसी ने मात्र 20 अटेम्प्ट किया, उसके एक दो गलत हो रहे हैं, तो वो 18-19 नंबर पाएगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन एक्यूरेसी, नॉट ऑन अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स आपके मैटर करते हैं, बहुत कम अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए, 70-72 एक डिसेंट अटेम्प्ट है, इतने अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि SBI क्लर्क में मैंने 86 अटेम्प्ट किया था, और जो मेरे नंबर आए थे वो लगभग 80 के अप्रॉक्स आए थे। कट ऑफ कितनी गई थी? कट ऑफ 71 या 72 गई थी, तो कट ऑफ से लगभग 9 से 10 नंबर एक्स्ट्रा आए थे, ज़्यादा अटेम्प्ट किया था। हालांकि कुछ लोगों ने SBI क्लर्क में 75 अटेम्प्ट किया था, फिर भी वो उनकी एक्यूरेसी इतनी बढ़िया थी कि वो 72-73 नंबर पाके और उन्होंने रिजल्ट्स को क्लियर किया था। तो कोई बात नहीं, अगर आपने 70 तक भी अटेम्प्ट किया है, 70 से नीचे मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि आप रिस्क जोन में हैं, पर अगर 70 तक आपने अटेम्प्ट कर रखा है तो फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर होने का चांसेस है। बात रही मेरे अटेम्प्ट्स की, तो मैंने ओवरऑल 80 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट कर रखा है। अटेम्प्ट्स मेरे भी थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि रीजनिंग में एक पजल था जहाँ मैं थोड़ा सा स्टक हो गया। हालांकि मैं कभी ऐसा होता नहीं है, किसी भी प्री एग्जामिनेशन में मैं 35 out of 35 करता हूँ रीजनिंग में, पर आज के एग्जामिनेशन में एक पजल में मैं स्टक हुआ, जिसकी वजह से मेरे रीजनिंग में थोड़े अटेम्प्ट्स कम हुए हैं। तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट्स 80 के अप्रॉक्स हैं। तो अगर आपने भी 72-80-82 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट किया है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। आपको बहुत सारी बधाई, आप लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, और सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। मैं पॉसिबिलिटी बताऊंगा आपकी कि एग्ज़ाम क्लियर होने के कितने चांसेस हैं, और फिर मुझे एक डेटा भी कलेक्ट होगा कि कितने लोगों ने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं। सो होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।